इमरान नारे की तरह इस्तेमाल किया, केसीआर के वो यार ओवैसी साहब उनके सामने दाल नहीं गल पाई। क्यों नहीं, आप समीक्षा करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि बिल्कुल दाल गली। दरअसल तेलंगाना का जो पूरा चुनावी गणित है वो ये है कि केसीआर पूरे प्रदेश की मुस्लिम वोटों की ठेकेदारी दे देते हैं ओवैसी साहब को। ओवैसी साहब अपने प्रत्याशी तेलंगाना में 9 सीट, उत्तर प्रदेश में 100 सीट, तो इस गणित को समझने की जरूरत है। तो तेलंगाना में वो 9 सीट पे चुनाव लड़ रहे थे और बाकी ठेकेदारी केसीआर ने ओवैसी साहब को दी थी कि आप बीआरएस के खाते में पूरा वोट ला करके डालिए। लेकिन आपको जान के हैरत होगी कि पूरे तेलंगाना में अकलियतों ने खास तौर से कांग्रेस पार्टी को झोली भर के वोट दिया है, इसी वजह से सरकार बनी है, वो वोट ऐड हुआ है, इसी वजह से सरकार बनी। बीआरएस का अकेला माइनॉरिटी का जो कैंडिडेट था बोधन से, अंतिम दिन मैंने वहां जनसभा की है, आमिर शकील, वो चुनाव हारे और कांग्रेस पार्टी के सुदर्शन रेड्डी वहां से चुनाव जीते। तो आप उस गणित को समझिए। जुबली हिल्स जहां सुबह शाम असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अजहरुद्दीन के खिलाफ कोशिश की, आपने अपने कैंडिडेट उतारे, उसको 10,000 वोट भी नहीं मिला, जबकि वो उनके वहां पे 2 कॉरपोरेटर हैं। लेकिन अजहरुद्दीन तो हार गए ना। हाँ, चुनाव हार गए। लेकिन नामपल्ली जहां मतलब नाकों चने चबाने पड़े, 2,000 वोट से हमारा प्रत्याशी हारा, सिर्फ 2,000 वोट से। तो हमारा प्रदर्शन पुराने हैदराबाद में भी बहुत सुधरा है, वहां बोगस वोटिंग एक बहुत बड़ी समस्या है और मुझे पूरा यकीन है कि सरकार बन रही है, हम अगले चुनाव में उस समस्या को दूर कर लेंगे और आपको यह समझ में आएगा कि जिसे अपना गढ़ बताया जा रहा है वो गढ़ भी नहीं बचेगा, ये हम वादा करते हैं तेलंगाना की आवाम से। तो इस चुनाव से आपने क्या, आपको लगता है कि जो असदुद्दीन ओवैसी हैं और जो उनकी राजनीति है उसको बेनकाब किया? क्योंकि पैदल करते तो आप उनको नजर आए, गली गली ओवैसी साहब हैदराबाद में पैदल गलियों में घूमते खूब नजर आए। हाँ बिल्कुल, उन्हें घूमना पड़ा। देखिए, मैंने अपने भाषणों में एक बात कही कि मैं तेलंगाना और खास तौर से नामपल्ली जुबली हिल्स की आवाम का शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि आपने ये स्थिति ला दी है कि बुरहानपुर, जबलपुर, इंदौर, राजस्थान में कैंडिडेट देने के बावजूद प्रचार करने नहीं जा पा रहे हैं। ये हुआ है हैदराबाद की वजह से, तेलंगाना की आवाम। मैंने वहां जाके एक ही बात कही थी कि आपने छोड़ दिया है, खुला छोड़ दिया है, पूरे देश में जाओ वोटों का बंटवारा करो, आग को पानी का डर बना रहना चाहिए। हैदराबाद की आवाम ने इस बात को माना और उन्होंने आग को पानी का डर बताया कि नहीं, आपको गलियों में घूमना पड़ेगा। ठीक है, तो यही वजह है कि जबलपुर नहीं जा पाए, वो बहुत मुश्किल से कुछ सभाएं, 2-3 सभाएं वो राजस्थान में कर पाए। तो ये गणित भी समझने की जरूरत है कि गोशा महल में प्रचार नहीं किया अकबरुद्दीन ओवैसी ने, लेकिन हवा महल में आके प्रचार किया और उसका दुष्परिणाम ये रहा कि हवा महल से जो विधायक जी जीते हैं राजस्थान से, वो जीतते ही सबसे पहले उन्होंने शपथ भी नहीं ली और पूरे हवा महल में और राजस्थान के जयपुर की सड़कों पे निकल पड़े वो दुकानें बंद कराने के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।